like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फिर आज का दिन इन्हीं पहाड़ियों पे गुजरेगा। हाँ तो और क्या, इसीलिए तो लेकर आए हो नारान खान तुम सबको। यहाँ पर तुम व्यूज तो चेक करो यार, कैसे जबरदस्त व्यू हैं। एंजॉय करो बस। पापा यहाँ पर कोई मतलब आगे पीछे घूमने की और जगह नहीं है। अब यहीं बैठे बैठे आग को तो नहीं हम सेक सकते ना पापा, कोई जगह तो होगी ना। हाँ इधर एक पीछे है यार, सैफुल मलूक झील है, वहाँ पर तुम लोगों को मैं लेकर जाता हूँ। हाँ माइकल वहाँ पर हमें लेके जाओ, हमने वहाँ पर जाना है, मैंने भी देखनी है वो झील, नाम बहुत सुना है उसका माइकल। हाँ चलो ठीक है, वहाँ पर अभी मैं तुम सबको ले जाता हूँ। लेकिन ये मसला है कि वहाँ पर जगह बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। और ये माकुल भाई मैं चला लूँगा, मसला ही कोई नहीं है, चलते हैं। नहीं नहीं गाड़ी मैं ही चला लूँगा, वो मसला नहीं है, मैं ले जाऊँगा। बस तुम लोगों की जो चिरचिर होगी ना गाड़ी में, उससे मैं डरता हूँ। नहीं नहीं पापा आप खामोशी से बैठेंगे, आप बस थोड़ी ध्यान से चलाना। तो फिर चलो चलते हैं। हाँ चलो पापा चलो। चलो माइकल। चलो माकुल भाई आ जाओ गाड़ी में बैठो सारे। अबे यार पीछे ट्रंक का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया है। यार दरवाज़ा तो कम से कम बंद कर दिया करो ना यार, तुम लोग भी ना पागल ही हो सारे। अब दरवाज़ा मुझे बंद करना पड़ेगा, ठहरो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ। हद है यार, अभी इस गाड़ी को लिए हुए मुझे एक ही दिन हुआ है। ट्रिप से वापसी तक इस गाड़ी का अच्छा खासा हशर हो जाएगा यार, काम कराना पड़ेगा इस गाड़ी का। मगर भाई सॉरी, वो दरवाज़ा बंद करना मैं भूल ही गया यार। साकिब थोड़ा एहतियात कर यार, अभी नई गाड़ी ली है तो। ओहो सॉरी मगर भाई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लगता है यहाँ से गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। अभी यहाँ से आगे कैसे लेके जाऊँ यार। बहुत भाई इधर राइट साइड से रास्ता बना हुआ ना, इधर से ले जाओ। राइट साइड से यार गाड़ी फिसलेगी तो नहीं, रास्ता बड़ा ख़तरनाक अजीबो गरीब बनाया हुआ है ना। पापा प्लीज़ ध्यान से पापा। जिमी तू नीचे क्यों नहीं बैठ जाता यार। नहीं ना पापा व्यू सारा मिस हो जाता है ना, क्या करूँ पापा। तो फिर चुप करके खड़ा रहे। माइकल ध्यान से लेके जाना प्लीज़। देखो अब तुम लोगों ने दोबारा अपनी चार शुरू कर दी है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम से चलाओ। मगर भाई बस कोशिश करो ध्यान से निकल जाए, गाड़ी फिसले ना बस। हाँ हाँ मैं पहले गियर पे ही नीचे लेके जा रहा हूँ। हो मगर भाई बस पहले गियर पे निकाल दें गाड़ी, पहले गियर पे। कोशिश तो पूरी कर ही रहा हूँ, बस गाड़ी यहाँ से स्लिप ना हो जाए। स्लिप तो नहीं होती है, खैर लैंड क्रूजर है भाई। ले जाओ मगर भाई ले जाओ सीधा आगे, रास्ता साफ है। वो सामने नज़र आ रही है झील, वहाँ पे लेके जा रहा हूँ यार, क्या खूबसूरत झील है वो। हाँ पापा नज़र आ रही है मुझे। बस आगे जाके देखना यार कैसा फिट मंजर होगा। यहाँ से बस थोड़ी गाड़ी फिसली है यार, बचत हो गई है। मगर भाई आगे पानी आगे ना करो। हाँ हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, इधर से ऊपर लेके जाता हूँ।
यहाँ पे रास्ता बड़ा ख़राब है ना, रोड सही से नहीं बनाए हुए इन्होंने। चलो खैर अभी तो पहुँच गए हैं, उतरो गाड़ी से और चेक करो झील को, आ जाओ सब। वाह क्या बात है यार, कितनी प्यारी झील है पापा, इसका कलर ग्रीन है क्या? हाँ इस झील का कलर सर्दियों में ग्रीन हो जाता है और गर्मियों में ब्लू हो जाता है। वाह माइकल बहुत प्यारी झील है। तो फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है? थोड़ी बहुत पिक्चर्स बनवाते हैं, फिर घूमते फिरते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे एक और जगह तुम लोगों को लेकर जाना है मैंने। ठीक है पापा, ठीक है पिक्चर्स बनवा लेते हैं। आना जिमी ज़रा हम सब की पिक्चर ले, तू कैमरा लाया ना साथ? हाँ पापा कैमरा लेके आया हूँ ना। हाँ चल फिर एक पिक्चर ले ले, साकिब हमारे साथ आ। ओके आप सब रेडी हो? हाँ चल ले ले हम रेडी हैं। ओके सब बोलो बशीर। अबे ले ना यार जिमी, नाटक ना कर, ले लो जिमी ले लो। हाँ कंटिन्यू शॉट ले रहा हूँ, एक ही साथ क्लिक कर रहा हूँ सारी। चल आप साकिब तू ले, जिमी तू इधर आ। ओके पापा। ओके आप सब रेडी हो? हाँ हाँ रेडी है, ले लो फिर से करके लेना। अच्छा झील का मंजर आना चाहिए। और जी भी मैं कैमरा मैन हूँ, प्रोफेशनल कैमरा मैन। नहीं तो पिक्चर देख ही पता चलेगा। होगी मगलो, चलो आओ यार चलते हैं अब। पापा थोड़ी देर और रुक जाते ना। नहीं नहीं इतना बहुत है यार, अभी चलते हैं खाना वगैरह खाते हैं, आ जाओ सब। ओके तो चलें, चलो मॉन्ग बॉय। ओके तो नारायण का खान की ये सबसे खूबसूरत झील भी मैंने आप सबको दिखा दी है। और भी मॉकल भाई क्या प्लान है आपका? अभी बस प्लान तो ये यार, जाके खाना वगैरह खाते हैं, फिर रात को स्टे करते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर कल सुबह एक और ज़बरदस्त जगह लेकर जाऊँगा। और वाह मॉकल भाई अभी एक और दिन मिलेगा इंजॉय करने का, मज़ा आ जाएगा मॉकल भाई। लेकिन मॉकल भाई मैं इस बार सेपरेट टेंट पे सोऊंगा, कसम से जिमी ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया था कल, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। हैं जिमी ये सच कह रहे हैं क्या पापा? मुझे आवाज़ नहीं आ रही। मॉकल भाई सारी रात खराटे लेता रहा कसम से। जिमी आवाज़ आई है अब? नहीं नहीं पापा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं व्यू इंजॉय कर रहा हूँ पापा। मॉकल भाई अभी जानबूझ के नाटक कर रहा है, मैं सेपरेट ही सोऊंगा। अच्छा चल ठीक है ना, देख लेते हैं यार। पापा पापा वो देखिए वो क्या है, वो लाइन है पापा, शायद लाइन है वो। हाँ यार ये आगे शेर जा रहा है, पापा लेके जाओ उसके पास, लेके जाओ पापा। मगर भाई यहाँ पे शेर भी होते हैं, वाह यार। पापा पापा रोको रोको पापा प्लीज रोको, मैंने देखने पापा। अरे वो भाग रहा है, उसको छोड़ यार, ऐसी उसके पीछे हमारी गाड़ी भी फिसलेगी। वो पापा इतना प्यारा लाइन था वो। यार वो लाइन नहीं था, वो टाइगर था, जो भी था बहुत प्यारा था पापा। अच्छा तुझे अभी आवाज़ आ रही है? और मॉकल भाई बहुत बड़ा ड्रामे बाज है ये, इसे तो मैं उधर जाके बताऊंगा ना। ओके तो चलो यार अभी हम पहुंच गए हैं, अभी उतरते हैं और खाना वगैरह खा के रेस्ट करते हैं, फिर सुबह सुबह निकलते हैं, सही है? ठीक हो गया मॉकल भाई, डन हो गया। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नए लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ यार मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आपको मेरे कंटेंट से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो यार साकिब और जिमी सामान वगैरह पैक करो और चलो गाड़ी में रखो और चलते हैं यार, अभी टाइम बहुत हो रहा है, मौसम भी ख़राब हो रहा है यार, इससे पहले कि मौसम और ज़्यादा बिगड़े
हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन पापा गाड़ी मैं चलाऊंगा, सही है? यार जिमी वापसी का रास्ता बहुत ख़राब है, तू एक काम करी आगे रोड से तू चला ली, अभी साकी को चलाने दे। कौन है जिमी? मोगल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी मैं चला लेता हूँ, तुम आगे रोड से चला लेना। नहीं 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 पापा, यार आप लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। मैं ठीक से चला लूँगा ना यार, आप मुझे चलाने क्यों नहीं देते? मैं पीछे बैठ बैठ के थक गया हूँ यार पापा, प्लीज़। अच्छा चल ठीक है यार जिमी, तू गाड़ी चला ले पर ध्यान से चलाएं, ठीक है ना? हाँ वो आप फिक्र ना करें। चल साकिब यार तू गाड़ी में सारा सामान रख दे। ओके मकल भाई। मकल भाई सामान रख दिया। चल जिमी यार गाड़ी चला, बैठो सब। चलो चलो आ जाओ सारे, आ जाओ। अच्छा तो अब यार मुझे बीच में बैठना पड़ेगा, चलो मजबूरी है, अब क्या कह सकते हैं। बाकी टेंट वगैरह यार साकिब ने उठाई नहीं है, मैं ही उठा के रख देता हूँ गाड़ी में। चल जिमी जाने दे यार। ओके पापा चलते हैं फिर अभी। जिमी उधर जहाँ से आए थे ना वहाँ से लेके जाओ, सही है? यहाँ से ऊपर लेके जाओ ना, आगे लेफ्ट साइड से उसी रोड पर वापस हो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, पता है मुझे वापसी का रास्ता, नहीं जाता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ इसी रोड पर आगे ले जाओ बस। एक तो यार मौसम इतना ख़राब हो गया अचानक ही, बस अब खैर खैरियत से हम वापस पहुँच जाएँ किसी तरह। मोगल भाई आगे का क्या सीन है? आगे का सीन यही है कि यहाँ से सीधा माउंट चिलियर्ड जाएंगे। माउंट चिलियर्ड? मोगल भाई वहाँ पे कैसे जाएंगे? गाड़ी तो उधर नहीं जाएगी, वो तो बड़े ख़तरनाक पहाड़ है मोगल भाई। हाँ हाँ उधर गाड़ी तो नहीं लेके जाएंगे यार, चेयर लिफ्ट से जाएंगे। यहाँ से अभी सीधा चेयर लिफ्ट के लिए जाते हैं गाड़ी लेकर, गाड़ी उधर पार्क करके चेयर लिफ्ट पर बैठेंगे, फिर वहाँ से सीधा माउंट चिलियर्ड उतर जाएंगे। सही हो गया? पापा मुझे रास्ता बता देना। हाँ हाँ तू चला ना, मैं रास्ता तुझे बताता रहूँगा। अबे यार आगे से आटा सीधा ही आई जा रहा है, अन्ना हुआ है, इसको गाड़ी नजर नहीं आ रही। यार पापा ये भी पागल है यार, देखो किस तरह खड़ा हो गया, आगे से हट ही नहीं रहा यार, हट ना यार। जिमी गाड़ी ऊपर चढ़ा दो, गाड़ी ऊपर चढ़ा दो, पता नहीं किसको कॉल कर रही है, गाड़ी चढ़ा उसके ऊपर। चढ़ा दो पापा। चढ़ा दे सीधा ले जा भाड़ में जाए। एक तो मौसम इतना खराब हुआ है, ऊपर से ये ड्रामे कर रहे हैं, अजीब लोगों की सेंस है यार साकिब भाई। तुम बस अपना गाड़ी ध्यान से चलाओ, छोड़ो इनको इग्नोर करो, गाड़ी बस ध्यान से चलाओ। हाँ वो मेरे पे आप छोड़ दें यार, उसकी फिक्र ना करें, आराम से तसल्ली बख्श होके बैठ जाएं आप सारे। जब मोगल भाई चला रहे थे तब तो मैंने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस बार तो ज़रूर पढ़नी पड़ेगी मुझे। तो पढ़ लो ना, पढ़ लो। अच्छा तो फिर मोगल भाई माउंट चिलियर्ड से आगे फिर क्या करेंगे उधर जाकर? वहाँ पर भी कैंपिंग करेंगे? नहीं यार वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करेंगे। हाँ पैराग्लाइडिंग? जिमी ध्यान से यहाँ से लेकर जा यार, ध्यान से। अरे अरे पापा यार गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। ले जाओ आराम से ले जाओ, मोड़ लो यहाँ से। हाँ बस ठीक है, इस तरह ठीक है यार, आगे से ध्यान रखना, बंदे भी आ रहे होंगे, और पहले गियर पे नीचे उतारो गाड़ी। अरे पहले गियर पे उतारो ना, आप साथ में बैठे हो, आपको पता नहीं है पहले गियर पे उतारो ना। एक तो यहाँ पे रास्ते इतने ख़राब है, कुछ ऊपर से बर्फ पड़ी है, नज़र भी नहीं आ रहा ना रोड कौन सी है, पहाड़ कौन से हैं। इसीलिए तो बोला था जिमी कि गाड़ी हमें चलाने दे या साकिब को चलाने दे। वो बात नहीं है पापा, गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, वो मसला नहीं है, बस ये थोड़ा सा यहाँ से सफ़र है ना, यहाँ से उतर जाए ना बस, फिर आगे तो मसले वाली बात ही नहीं है ना। तो इसी के लिए तो मैं बोल रहा था यहाँ से हम उतार लेते, आगे तो फिर बेशक तू चला, घर तक तू लेके जा बेशक। चलो ना यार पापा, अभी तो बस उतर ही गया ना, थोड़ा सा ही रह गया। चलो हम आकर अभी बस पहुँच चुके हैं। हाँ तो फिर मैं ये कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने पैराग्लाइडिंग करनी है तो फिर मुझे बता देना। क्यों जिमी तेरा मूड है कि नहीं? पापा बहुत डर लगता है मुझे, आपको तो पता है ना मुझे ऊंचाई से कितना डर लगता है, मेरे से तो नहीं हो पाएगी पापा, मैं बस चेयर लिफ्ट के मज़े ले लूँगा और माउंट चिलियर्ड के मज़े ले लूँगा बस। हाँ तो फिर साकिब तू बता। मोगल भाई मेरा भी सेम सीन है, बड़ा डर लगता है कसम से ऊंचाई से। चलो फिर मर्जी है तुम दोनों की, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो भाई लाजमी जाऊँगा। माइकल मुझे डर नहीं लगेगा, मैं जाऊँ। अरे चुप करके बैठो, तुम तो भी गाड़ी में बैठ के बोल रही हो ना डर नहीं लगेगा। जैसे ही पैराशूट ऊपर जाएगा ना, तुमने चीखें इतनी मारनी है, वहाँ पे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, सिंगल जाते हैं। ट्राई करती हूँ ना माइकल मैं। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पे पहुँचते हैं ना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कितनी ऊंचाई है, वहाँ पर जाकर अगर तुम्हारा मूड हुआ तो फिर ठीक है। अभी जिन पहाड़ों पे हम गए ना, ये ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है यार मैंटा, माउंट चिलियर्ड के पहाड़ों पे जाएंगे ना, तुमने ऊपर से नीचे ही देखना तुम्हें उल्टी आ जाएगी, तुमने पैराग्लाइडिंग क्या खाक करनी है। क्यों साकिब वैसे ही है? ओह मोगल भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बहुत ऊँचे पहाड़ हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ पर। अच्छा चलो फिर छोड़ो रहने दो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, चल जिमी 120 की स्पीड मार और निकल यहाँ से। ओके पापा।
चलो यार, शुक्र है नारायण कगान से तो वापस आ गया। वहाँ पर तो मौसम बिगड़ ही रहा था, कुछ देर और रुकते ना वहाँ पर तो फिर वहाँ पर फंस ही जाते, लैंड स्लाइडिंग हो जाती। हाँ पापा, ये ठीक हुआ कि आप टाइम से निकल आए हैं, और देखिए मैं कितना सेफली आपको वहाँ से लेके आया हूँ, हालांकि बर्फबारी भी हो रही थी। हाँ सेफली लेकर आए, गिरते गिरते बच्चे हैं। पापा वो तो फिर एक दफ़ा आपने भी गाड़ी फंसा दी थी ना, अब रस्ते ही ऐसे हम क्या करें, गाड़ी भी तो बड़ी है ना, या तो फिर जीप होती। हाँ यार जिमी, अब तो बता रहा है जीप होनी चाहिए थी हमारे पास साकिब, मगर भाई जीप में तो फिर हम पूरे ना आते ना, फिर सामान भी पूरा ना आता, आपको तो पता। हाँ सामान की भी टेंशन होती है और बंदे भी पांच हैं हम। चलो नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे ना, मैं साकिब और जिमी हम तीनों चलेंगे, हम तीनों जीप पर ही चले जाएंगे, सही हो गया? हाँ पापा डन डन डन। चलो मगर भाई ऐसा कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जीप पर चले जाएंगे हम तीनों। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप ऐसा कर लेते हैं। तो माइकल हमें नहीं लेकर जाओगे? यार तुम दोनों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं ना, आप लोग अपना सेपरेट घूमने जा सकते हो ना यार, अब हर दफ़ा तो नहीं हम पूरे टब्बर लेके जा सकते, पांच के पांच बंदे इकट्ठे। अच्छा चलो ठीक है। अभी और यहाँ से कितना दूर है पापा? बस यहाँ से अभी सीधा लेकर जाना, आगे राइट साइड पे रोड आएगी ना, वहाँ से टर्न कर लें। हाँ इधर से मोड़ ले, इधर से मोड़ ले। ओके पापा। यार जिमी ऊपर बोर्ड भी तो लगे हुए हैं ना यार, ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा पता है पता है। जिमी यार इधर ही पार्किंग पर लगा ले आगे गाड़ी, थोड़ा आगे करके ले जाएं। यहाँ पे ठीक है ना पापा? हाँ इधर ही लगा ले बस। चलो यार आ जाओ, जाने चले। चलो मैंडो और ट्रेसी उतरो यार, फिर मुझे भी जगह दो, मैं भी उतरूं। ओके तो भाई लोग यार ये है चेयर लिफ्ट, तो हम सब यहाँ से चेयर लिफ्ट पे बैठ के सीधा माउंट चिलियर्ट जाएंगे। वहाँ पर जाकर फिर मैं पूछ रहा हूँ, अगर जिस जिसको पैराग्लाइडिंग करनी है तो वो मुझे बता दे, मैं उसका टिकट ले लूँगा, और अगर नहीं करनी है तो फिर आप लोगों को वहीं रुकना पड़ेगा और मैं वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके नीचे उतरूँगा। समझ आ गया सबको? मेरे पीछे आ जाओ आप। चले पापा देख लेते हैं ना। आज वाजो देख लो, ऊपर आके देख लो, चेक कर लो यार, दिल मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने तो करना ही करना है। माइकल पहले वहाँ पहुँच तो जाएं यार, तुम तो पहले ही डरा देते हो सबको। अरे आओ यार मैंडा, डरा नहीं रहा, देख लेना खुद ही देख लेना वहाँ पर, अभी बस आगे चेयर लिफ्ट हो यार। अरे शिट यार लेट हो गए हैं, वो देखो निकल गई है चेयर लिफ्ट, अब उसका वेट करना पड़ेगा हम सबको। चलो यार अब इधर थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक चेयर लिफ्ट नहीं आती है। चलो माहौल भाई वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ अब देखो यार कब तक आती है, तो जब तक चेयर लिफ्ट नहीं आती है मैं बता दूं कि अभी इससे आगे उम्मीद ना रखना, अभी यहाँ से वापस हमने सीधा घर जाना है। माइकल तुमने चार दिन का नहीं बोला था कि चार दिन की ट्रिप होगी? अमांडा तुम अभी तक थकी नहीं हो यार, मैंने तीन दिन का बोला था। चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अभी बस जो भी हो आज का लास्ट डे है, अभी यहाँ से सीधा घर जाएंगे और कल से शोरूम को भी देखना, ठीक है ना साकिब और जिमी? ठीक है पापा, आई एग्री। ओके मगर चलो चेयर लिफ्ट भी आ गई है। अबे यार ये तो उस तरफ जा रही है यार, इस तरफ तो नहीं आएगी ये, मतलब हमें उधर जाना पड़ेगा। चलो आओ यार सब उधर ही चलते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं। चलो यार आ जाओ, क्यों सबको फिर मज़ा आया कि नहीं आया? और मौकल भाई बहुत मज़ा आया मुझे तो, साकिब तू उधर से किधर से आ रहा है? और मौकल भाई शॉर्टकट। पापा आपको तो पता है साकिब भाई को शॉर्टकट लेने का कितना शौक है। हाँ ये जिमी बात तूने ठीक की है। चलो आओ यार चेक करते हैं उधर पैराग्लाइडिंग।
मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ यार पैराग्लाइडिंग के लिए, बड़ा शौक है मुझे। अभी जाके चेक करते हैं। आ जाओ यार सब आ जाओ, डर क्यों रहे हो, नहीं करना तो मत करना। पापा कितना ऊंचा पहाड़ है यार। कहाँ से जाना था? हाँ इधर से जाना था। पहाड़ तो ये ऊंचा है, मैंने पहले ही बताया था, नारायण काकान के पहाड़ों से बहुत ऊंचा पहाड़ है। माइकल मेरी तरफ से कैंसिल है, कैंसिल। हाँ वो तो मुझे यकीन था, यहाँ पर पहुँच के तुमने अपना इरादा चेंज ही करना था। अभी यार वो पैराग्लाइडिंग वाला बंदा यहाँ पर किधर होगा, होपफुली आके खड़ा हो। लोग तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, चेक कर लेते हैं यार। हाँ उस तरफ है, उस तरफ आओ। उफ पापा आपको डर नहीं लगेगा यार, कितना ऊंचा है ये। यार जिमी बहुत शौक है मुझे इस चीज का, तो अपना ही मजा है भाई। जरा मैं इससे बात करता हूँ, फीस कितनी है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ जी बोले। जनाब ये क्या नाम है, पैराग्लाइडिंग का एक टिकट कितने का है? सर पर पर्सन जो है वो 8,000 है। अच्छा चलें ठीक है, आप फीस ले रहे हैं और मेरा टिकट काट दें। आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा, किसी भी किस्म के हादसे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। हाँ चलो ठीक है, किधर साइन करना है यार? ठीक है आप अपना बैग ले लें और जा सकते हैं आप। ओके तो यार यहाँ से मैं पैराग्लाइडिंग करूँगा और सीधा उधर बीच के पास जाकर उतरूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं उधर नीचे पहुँच जाऊँगा ना, साकिब और जिमी गाड़ी लेकर ना उस जगह पहुँच जाना, सही है? माइकल प्लीज़ अपना ख्याल रखना, पापा आपको चलाने तो आती है ना। अरे हाँ यार फिक्र ना करो, मोगल भाई टेक केयर। हाँ चलो ठीक है फिर, तुम उधर पहुँच जाना, सही है? मैं वेट करूँगा। ओके मोगल भाई हम पहुँच जाएंगे। हाँ चलो ठीक है मैं चलता हूँ यार। बैग किधर है यार? अच्छा यहाँ से पैराशूट बैग ले लेते हैं। ओके तो यहाँ से यार जाना पड़ेगा। चलो यार बिस्मिल्लाह करते हैं, ये मेरा ड्रीम है भाई जो पूरा होने वाला है। अभी इसके लिए तो मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा था, अभी ट्राई करते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। 1, 2, 3 बस सेफली हो जाऊं यार, डर लग रहा है लैंड होते हुए कहीं टक्कर ना हो जाए तारों से। अरे 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 शिट 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 शिट, अरे यार अबे यार बड़े जोर की लगी है भाई। चल यार बचत हो गई है शुक्र है, टांग शांग नहीं टूटी है, सर नहीं फटा इतना बहुत है यार, ये बस थोड़ा पाँव से खून निकल आया। चलो खैर है यार, ये भी उनको नहीं बताऊंगा, नहीं तो ऐसे ही मेरा मजाक बनाएंगे और 100 बातें करेंगे, दफ़ा करो। बाल बाल बच गए यार, इतना ही बहुत है, लेकिन मज़ा बड़ा आया भाई, मज़ा बहुत आया है। होपफुली पापा खैरियत से पहुंच गए हो यार। और जिमी वो सामने खड़े हुए हैं, हमारा इंतजार ही कर रहे हैं, उस तरफ लेके जाओ गाड़ी। आराम से यार। आ जाओ पापा आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पापा आप ठीक तो हो ना? आपको जिंदा देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। क्यों जिमी, तुझे उम्मीद नहीं थी मैं बच जाऊंगा? पापा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब फिक्र हो रही थी ना। शुक्र है माइकल तुम ठीक हो, मैं तो समझ रही थी कहीं गिरे हुए होगे तुम, लेकिन बच गए हो। तुम्हारा तो पता है मुझे मैडा, तुम तो दुआएं कर रही होगी, लेकिन बच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकुल भाई शुक्र है यार, वैसे आपको मज़ा तो आया होगा कि नहीं? ऐसा वैसा भाई चस आ गई है, तुम लोगों ने गलती कर दी, एक्सपीरियंस नहीं किया, बहुत मज़ा आया भाई मुझे तो। चलो पापा नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगा, अभी चलें? हाँ चल भगा जिमी, गाड़ी भगा यार, थोड़ा रेस्ट करना है। हाँ पापा मुझे भी बहुत थकावट हो गई है, नींद पूरी नहीं हुई इतने अरसे से। अपन तो तुम बात ही मत करो ना, ऐसे ऐसे खराटे तुम लेते रहते, जैसे खोते और घोड़े बेच के सोता है इंसान है।
बस करो यार साकिब भाई, अभी इतना भी नहीं है भाई। मैं तो जाओगे सीधा लंबा पड़ जाऊंगा, आराम से 12-13 घंटे की नींद पूरी करूंगा। हाँ हाँ ठीक है यार, कर लो अपनी नींदें पूरी, आज के दिन है बस, कल से फिर अपना नॉर्मल रूटीन में आना है। शोरूम का भी पता नहीं कितना काम पड़ा होगा, अभी जाके देखना पड़ेगा। अभी जाओगे माकुल भाई? नहीं नहीं यार, अभी तो नहीं, कल से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ माकुल भाई।